Subscribe my channel, press bell icon, like and share. ये जीटा का कन्वेंशनल कंट्रोल पैनल है 16 जून का। ये इसका डिस्प्ले है, ये बेल को स्टॉप और स्टार्ट करने के लिए, ये साइलेंस के लिए, ये रीसेट के लिए, ये एलईडी टेस्ट करने के लिए, और ये वाले जो है ये जून इंडिकेटर लैंप है, और ये जो है ये फॉल्ट फंक्शन के इंडिकेटर है। ये इसका जो इनेबल और डिसेबल के लिए ये की है, ये इसका लॉक है। अब हम इस कंट्रोल पैनल के अंदर चेक करेंगे। ये इसका मदरबोर्ड है, इसके नीचे जो चार्जिंग पावर सप्लाई है बैटरी बैकअप के लिए, ये चार्जर है बैटरी को बैकअप पावर देने के लिए, और इसके साथ ये लूप कार्ड है, कन्वेंशनल कंट्रोल पैनल के ये लूप कार्ड है। ये आर जोन का एक लूप कार्ड है, ये आर जोन का एक लूप कार्ड है, और दूसरी साइड में ये जो, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, एक जो है लूप कार्ड वो एम्प्टी है, ये फ्यूचर के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। 8+8+8 24 जून का ये कंट्रोल पैनल है, जो इस वक्त जो करंट जून है इसके वो 60 है, 16 जून। इस जगह पे हम जून का वायर लगाते हैं स्मोक डिटेक्टर, ये स्मोक डिटेक्टर का जून है, उसके लिए ये पोर्ट हम यूज़ करते हैं, और इसके साथ ये जो साइड पे है ये वाले, इस जगह पे हम सोल्डर के पोर्ट यूज़ करते हैं, सोल्डर की वायर लगाते हैं इस पोर्ट पे, और ये जो है ये इसके फ्यूज़ हैं, सोल्डर फ्यूज़, मदरबोर्ड के फ्यूज़, और इसके साथ ये जो नीचे छोटे छोटे हैं ये सोल्डर के फ्यूज़ हैं, और इसके साथ जो नीचे है बैकअप पावर बैटरी, ये बैकअप पावर बैटरी 12+12 24 वोल्ट का। ये बैकअप पावर, अगर पावर ना हो, इलेक्ट्रिक पावर ना हो, तो ये कुछ टाइम के लिए बैकअप पावर कंट्रोल पैनल को देते हैं, जिससे कंट्रोल पैनल वर्किंग में रहता है। और इसके दूसरी साइड में ये इसका जो चिप बोर्ड है, और ये जो इसका जो वायर है इस साइड में, ये लॉक को इनेबल और डिसेबल करने के लिए ये वायर है, और ये जो है ये बुजर के लिए, साइलेंस बुजर के लिए, ये इसका डाटा केबल है, ये लूप कार्ड है इसका, ये इसका लॉक है, ये इसका इनेबल डिसेबल के लिए की है। जैसे हम इसे ऑन करेंगे ये इंडिकेटर ऑन है, हम इसे ऑफ कंडीशन में करेंगे ये इंडिकेटर ऑफ कंडीशन में होगा। इसके साथ जो हमारी आज की वीडियो है वो कंप्लीट है, उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।